सो नाउ वी डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस. ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, उनको ऐड किया, दोनों का सम निकाला अलग अलग, देन फाइंड द डिफरेंस. फिर उनको उनका सब्ट्रैक्शन किया, डिफरेंस लिया. इफ देयर डिफरेंस इज आइदर जीरो और डिविजिबल बाय 11, यानी मल्टीपल ऑफ 11, अगर उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो जीरो आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू हैव दिस नंबर 5445. यू हैव टू चेक इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट. देन स्टार्ट फ्रॉम द राइट. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस. Odd places, your first number, this is odd, even, odd, even. Clear? Now find the sum of digits at odd places. Odd places pe jo digits hain, humne unka add kiya. Odd places means 1/3, 1/5, this. So odd places pe kya kya digit aa rahe hain? 4 and 5. So find their sum. 4 plus 5 is 9. Then find the sum of digits at even places. अब even places के digits का हमने sum निकाला. Even places पे क्या आ रहा है? 4 plus 5. That is also 9. Then take the difference. अब उनका difference लिया. आपने बड़े में से छोटा निकाला. अगर वो दोनों same हैं, तो आप even में से odd minus कर सकते हो, चाहे odd में से even. 9 minus 9. The difference is 0. And we know that 0 is divisible by any number. Clear? So if their difference is 0, then that number is divisible by 11. So yes, 5445 is divisible by 11. So this number is divisible. Hoga. Clear?